हे गाइस, यू आर वाचिंग सोनियाज किचन एंड मोर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मेथी की बहुत ही सिंपल, इजी एंड क्विक रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे बड़ों, बच्चों, किसी को भी आप इसे लंच में दे सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनेगी ये और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम ताजी मेथी ली है, 3 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है छोटे टुकड़ों में, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, और इसके साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च बारीक कट कर ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च। ये साबुत लाल मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्जी में। मेथी को मैंने यहाँ पे अच्छे से छांट कर साफ कर लिया है और उसके बाद फिर मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू मेथी की सब्जी बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को ऑलरेडी गर्म कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। वैसे तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, बट जो सरसों का तेल है उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है सब्जियों में। तेल को हम गर्म होने देंगे, तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी जीरा, और इस टाइम जो फ्लेम है वो मैंने हाई मीडियम रखी हुई है। जीरे को हम अच्छे से भुनने देंगे। जीरा जो है यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है, अब इसकी फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च, और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च, इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। लहसुन जो है वो हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी हम भून लेंगे। प्याज को हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं भूनना है, जब प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू, और इसको हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चलाते हुए। और इसी कंडीशन में मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, 1 चम्मच नमक है ये। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। और हल्दी। बहुत ही सिंपल सी सब्जी है ये आलू मेथी की, और बहुत ही आसानी से बन जाती है बहुत ही कम टाइम में। आलू को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे कवर करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। आलू को मैं कवर कर देती हूँ, और इसको हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। आलू को पकते हुए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। आलू जो है अभी यहाँ पर गले नहीं है, इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। और 2-2 मिनट का टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि बीच बीच में आप सब्जी को चलाते रहें और सब्जी जो है नीचे ना लगे, आलू मतलब जले ना। इसको हम 2 मिनट के लिए और कवर करके पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, मैं आलू को एक बार चेक कर लेती हूँ। आलूओं को हमें यहाँ पे 90% तक पकाना है, और जैसे ही आपको लगे कि आलू अपने आप से इस तरीके से प्रेस करके टूटने लगा है तो मतलब कि हमारे जो आलू हैं वो 90% तक पक चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे आलूओं को पकने में कम से कम यहाँ पे 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने मेथी को रफली चॉप कर लिया है, इसको ज्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है आपको,
और अब हम इसे ऐड कर देंगे आलूओं के साथ। मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। मेथी को हमें यहाँ पे ज्यादा पकाना नहीं है, इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। मेथी को ज्यादा पकाने से वो कड़वी हो जाती है और उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि मेथी को ज्यादा ना पकाएं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी आप जिसे भी खिलाएंगे ये सब्जी बहुत ही पसंद करेगा वो। यहाँ पे मैंने मेथी जो है मिक्स कर दी अच्छे से आलूओं के साथ। अब मैं इसे कवर करके 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसको हम कवर कर देते हैं, 1 मिनट बाद हम सब्जी को चेक कर लेंगे। मेथी जो है यहाँ पे अच्छे से पक चुकी है। इसको इतना ही पकाना बहुत रहता है, अगर हम इसको ज्यादा पका देंगे तो मेथी कड़वी हो जाएगी और फिर इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब इस कंडीशन में मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और जो हमारी आलू मेथी की सिंपल एंड क्विक सब्जी है वो तैयार है। बहुत ही आसानी से 5 से 6 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इस आलू मेथी की सब्जी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी आलू और मेथी की जो सब्जी है वो कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।